हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और नए लैपटॉप नहीं पुराने लैपटॉप है ये। इनकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं। दोनों लैपटॉप हमारे पास सामने रखे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या, क्योंकि हम अनबॉक्स करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आज हम नए लैपटॉप को अनबॉक्स नहीं करेंगे। आज हम दो लैपटॉप का कंपेरिजन करेंगे। जी हाँ, ये दोनों लैपटॉप की हम वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। ये दोनों लैपटॉप है एचपी के सुपर प्रीमियम एनवी सीरीज। तो चलिए दोस्तों, दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले वो पार्ट्स देखते हैं जिनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों में 512 जीबी एसएसडी है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। दोनों की 15.6 इंच की टच स्क्रीन है, ऑलिड डिस्प्ले। दोनों ही लैपटॉप विंडोज 11 एसएल के साथ आते हैं और दोनों ही लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 आपको मिलता है। बात करते हैं डिफरेंस की। देखिए, सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है वो राइजन 5 और आई 5 का है। इसके अंदर राइजन में आपका है राइजन 5 7530U प्रोसेसर। इसमें आता है आई 5 13 जनरेशन में 1335U प्रोसेसर। कंपेयर करते हैं नेक टू नेक। इसकी जो मैक्सिमम टर्बो बूस्ट स्पीड है वो है 4.5 गीगाहर्ट्ज। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 4.6 गीगाहर्ट्ज। तो दोनों में अगर देखेंगे तो टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी इसकी ज्यादा है i5 की, 4.6, ये 4.5। यहां पे हम इसको नंबर ज्यादा देते हैं। दूसरा आता है कोर्स का, जो सबसे मेन होता है। अगर हम राइजन की बात करेंगे तो इसमें आपको 6 कोर का प्रोसेसर मिलेगा, और अगर हम इंटेल i5 की बात करेंगे इसमें आपको 10 कोर का प्रोसेसर मिलेगा। अगर हम यहां पर अब देखते हैं तो इसमें हमारा राइजन 5 बेटर है। रुको जरा, सबर करो। अब आप सोच रहे होंगे ये 6 कोर का प्रोसेसर, ये 10 कोर का प्रोसेसर, दोनों में राइजन बेटर कैसे? इसका मैं आपको डिटेल में बताता हूं। जो राइजन 5 के अंदर जो 6 कोर है वो 6 के 6 परफॉर्मेंस कोर है। जी हाँ, राइजन में आपको 6 के 6 परफॉर्मेंस कोर मिलते हैं। लेकिन जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं, अगर आप कोई 4 सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं, 4 मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो चारों की मैक्सिमम, चारों को जो क्लॉक स्पीड मिलेगी वो 4.5 गीगाहर्ट्ज मिलेगी। 6 आप अगर 6 वर्क कर रहे हैं, सपोज करो 6 सॉफ्टवेयर पे आप कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो सबको 4.5 मैक्सिमम क्लॉक स्पीड मिलेगी। ये वाले लैपटॉप में जो i5 13 जनरेशन के साथ है, इसके अंदर कोर तो 10 है लेकिन एफिशिएंट कोर है इसमें 8 और परफॉर्मेंस कोर है सिर्फ 2। जी हां, इनमें क्या फर्क होता है? देखिए, जो 4.6 मैक्सिमम इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्लॉक स्पीड है, वो 4.6 है लेकिन सिर्फ 2 कोर के लिए, सिर्फ 2 परफॉर्मेंस कोर है। वो आपके जब अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, सपोज आप, आपको 4 कोर की प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है, 4 सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं, तो जो 2 सॉफ्टवेयर है उनको मिलेगा 4.6 गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड और बाकी को मिलेंगे 3.4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड। जी हाँ, जो एफिशिएंट कोर है इसके अंदर उसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड सिर्फ 3.4 है। तो देखिए, यहां पे जो नंबर्स जाते हैं वो राइजन 5 के पास जाते हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग जब आप कर रहे होंगे तो आपको भी परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी, वो राइजन 5 प्रोसेसर को मिलेगी, ना कि राइजन 5 के साथ। हाँ, इसके अंदर अगर 6 परफॉर्मेंस कोर होते तो नंबर 1 ये होता, ये नहीं होता। बात करते हैं नैनोमीटर की। नैनोमीटर में अगर हम इंटेल की बात करेंगे 10 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, और आप राइजन 5 की बात करेंगे 7530, ये 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। अगर 1 नैनोमीटर भी कम होता है तो उसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है। तो यहां पे भी आप एएमडी राइजन को ऊपर ले सकते हैं। अगर हम दोनों प्रोसेसर की टीडीपी की बात करेंगे तो दोनों 15 वाट के यहां इक्वल है। हाँ, एक चीज और आ जाती है इसके अंदर, ग्राफिक्स की। देखिए, हम सब जानते हैं कि एएमडी जो है अपने प्रोसेसर में 512 एमबी का डेडिकेटेड ग्राफिक्स जरूर देता है। किसी किसी में 2 GB आता है, किसी में 512, जो हमें पता है कि इंटेल में नहीं आता है। इंटेल में अगर हम बात करेंगे तो इंटेल आइरिस एक्सी ग्राफिक्स आपको मिलता है इसके अंदर, इंटेल ईवीओ प्रोसेसर में, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है मैक्सिमम वो 1.25 गीगाहर्ट्ज होती है। और जो इसके अंदर आपको मिलता है ग्राफिक्स 512 एमबी तो डेडिकेटेड ही मिल जाता है, और आप शेयर करेंगे तो 7.5 GB आपको मिलता है। तो टोटल आपकी फ्रीक्वेंसी, अगर हम ये कहेंगे ग्राफिक्स की मेमोरी, वो बढ़ जाती है, और इसकी जो मैक्सिमम ग्राफिक्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 GHz होती है।
तो अगर हम ग्राफिक्स की बात करेंगे तो भी हमारा जो राइजन है वो पहले आता है, इंटेल बाद में आता है। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, ग्राफिक्स प्रोसेसर की बात करूं, तो राइजन 5 को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं इंटेल i5 13 जनरेशन से। अब बात करेंगे रैम की, दोनों में रैम की भी डिफरेंस है। जो हमारा राइजन है वो मैक्सिमम सपोर्ट करता है LPDDR4 रैम को, जबकि इंटेल i5 13 जनरेशन सपोर्ट करता है LPDDR5 को। दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 4200 MHz की और इसकी है 5200 MHz की। तो इस केस में हमारे इंटेल i5 के अंदर रैम की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन राइजन 5 प्रोसेसर के साथ। तो देखिए, हमने देखा रैम के मामले में इंटेल बेटर है और प्रोसेसर के मामले में राइजन 5। अब हम करते हैं इनका ओवरऑल रिव्यू। इन अच्छा मैं इन बता दूं, रैम और ग्राफिक्स के अलावा बाकी सब कुछ सेम है। अगर आप कैमरे की बात करेंगे, कैमरा सेम है, स्क्रीन की बात करेंगे, स्क्रीन सेम है, आप बॉडी की बात करेंगे, टच पैड की बात करेंगे, कीबोर्ड की बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, SSD की बात करेंगे, सब कुछ सेम है सिर्फ रैम और ग्राफिक्स के को छोड़कर। अब क्या इन दोनों में से क्या हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, रैम की फ्रिक्वेंसी काफी मैटर करती है, लेकिन हम जब प्रोसेसर देखते हैं तो प्रोसेसर हमारे लिए ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि जब हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं, देखिए ये 4 कोर है, शायद अगर i5 13 जनरेशन में मेरे को 4 कोर परफॉर्मेंस कोर मिल रहे होते और रैम मुझे LPDDR5 मिल रही होती तो मैं इसको ज्यादा पॉइंट्स देता, लेकिन मेरे को यहां सिर्फ 2 कोर मिल रहे हैं, यहां मुझे 6 कोर मिल रहे हैं 4.5 GHz के लिए। तो मेरे पास अगर ज्यादा पॉइंट्स देने की बात होगी तो मैं यहां पे FS00016 AU को ज्यादा मार्क्स दूंगा इन कंपैरिजन ऑफ FE00028 AU के मुकाबले। तो दोस्तों, हमने देखा प्रोसेसर के मामले में हमारा राइजन 5 नंबर वन आया है और रैम के मामले में हमारा इंटेल i5, लेकिन दोनों में जो हम प्रेफरेंस देखते हैं वो राइजन 5 की प्रेफरेंस ज्यादा रहती है, क्योंकि प्रोसेसर हमारा मेन होता है, उसपे अगर परफॉर्मेंस हमारी बेटर है और उसमें ग्राफिक्स भी है। इसके अंदर ग्राफिक्स बिल्कुल नहीं, अगर आप फोटोशॉप और पेज मेकर या कोरल ड्रॉ पे आप काम करेंगे तो उसमें आपका राइजन 5 ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें डेडिकेटेड मेमोरी भी है। अगर हम ओवरऑल प्राइस की बात भी करते हैं तो राइजन 5 आपको ₹10,000 मार्केट में सस्ता मिलेगा। तो वैल्यू फॉर मनी भी अगर हम कहेंगे तो वो राइजन 5 है। अगर आप मेरी बात करेंगे कि मुझे कौन सा लैपटॉप प्रेफरेंस है या मुझे कौन से लैपटॉप को प्रेफरेंस देनी है, तो मैं राइजन 5 को ही दूंगा, क्योंकि मेरे इसमें ₹10,000 भी बच रहे हैं, मुझे बेटर प्रोसेसर भी मिल रहा है। हाँ, अगर इसके अंदर DDR5 रैम मुझे मिल जाती तो फिर हम इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते थे इसके साथ। तो दोस्तों, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आप किसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, मल्टीटास्किंग को या रैम की फ्रिक्वेंसी को। जो मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं यही कहूंगा कि आप ग्राफिक्स को और प्रोसेसर को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ यही कंपैरिजन था। तो आप जब भी लैपटॉप लेने जाएं तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, इससे आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर हम कुछ कंपेयर करना भूल रहे हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आगे भी हम नई नई वीडियो और कंपैरिजन आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।